विधायकों को, वो 238 में नहीं है, पूर्व राज्यपाल हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तो ये आंकड़ा करीब आपका 400 तक पहुंचता है, तो 8 करोड़ का मामला है, 10 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें आई है, सवाल ये उठता है, उस दौर में हमने भी कनर पे काफी खबरें भी लिखी है, नोटिस भी हमें मिला है कोर्ट की तरफ से, वकील की तरफ से, जब हमने नामों का खुलासा किया। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड जो एक शांत माना जाता है, देवभूमि मानी जाती है, वहां ना तो कोई नक्सली हमला हो रहा है अविकल जी, है ना जम्मू कश्मीर की तरह हालात है, सेवा पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं या नेताओं पे हमले हो रहे हैं। अविकल थपलियाल जी, नोटिस मिला, धमकी मिली, गनर नहीं मिला। एक बार तिवारी जी ने कहा था, किसी नेता की तरफ से धमकी मिली थी, तो तिवारी जी ने कहा था कहूं तो पूरी प्लाटून खड़ी कर दो तुम्हारे घर के आगे। तिवारी जी ने कहा, बड़े दरिया दिल है तिवारी जी, उन्होंने कहा था। मैंने कहा महानुभाव रहने दीजिए आप, महाराज छोड़िए हमें। तो वो स्थितियां उत्तराखंड की नहीं है जो J&K की है, या नॉर्थ ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पे भी हमले होते हैं वहां, वहां हर चीज के खतरे हैं, पत्रकारिता के खतरे हैं, राजनीति के खतरे हैं, सामाजिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके खतरे हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। साउथ में भी कमोबेश कई इलाकों में ऐसे हालात हैं, छत्तीसगढ़ में है, आपके पूरे नक्सली बेल्ट एरिया है, उत्तराखंड तो कम से कम इससे अछूता है। तो यहां किसके लिए और क्यों? आधे से ज्यादा गनर बच्चों को ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, स्कूल छोड़ रहे हैं, सब्जी भाजी ले जा रहे हैं, सब्जी ले जा रहे हैं, चाय बीड़ी सिगरेट ला रहे हैं, और भी कई चीजें, वो घर जो है वो घर के कामों पे लगा है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, तो सवाल इस बात का है कि जो भाजपा कांग्रेस के हमारे गेस्ट बैठे हैं, इन्होंने ये अपने 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 पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर ये बातें क्यों नहीं उठाई उस समय? नहीं, और अगर उठाई भी हो तो भाई सुनी नहीं गई, मतलब तो यही हुआ ना, या तो आदमी उठाई नहीं, या उठाई तो सुनी नहीं गई। अमिताभ अग्निहोत्री जी, ये वाकई वाकई बहुत गंभीर है। क्या आप जनता के पैसों की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसके बाद आप बाहर निकल के हाँ साहब ऐसा होना चाहिए? अरे होना क्या चाहिए, आप ही तो करोगे भाई। मुझे लगता है कि अविकल जी ने जो सवाल उठाया है कि यह चलन नरेंद्र जी के समय में शुरुआत हुई, तो इस पर एक आधिकारिक उत्तर सुरेंद्र अग्रवाल जी का आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। निश्चित रूप से यह सब सही है कि ऐसे लोगों को इस राज्य बनने के साथ साथ रुतबा हासिल करने के लिए गनर की व्यवस्था पहले से चली आ रही है, और यह व्यवस्था मैं समझता हूं, मेरे साथी ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश से विरासत में मिली, और यह भी सत्य है कि राजनीतिक विरासत में इस राज्य में जो शुरुआत भाजपा ने अंतरिम सरकार से की थी वो आगे बढ़ती चली गई, उस पर सुधार करने की गुंजाइश बहुत अधिक थी। नहीं नहीं, अंतरिम सरकार में नहीं दिए गए दोनों पार्टी अंतरिम, मैं सुरेंद्र जी से कहूंगा कि आपने को करेक्ट करे, अंतरिम सरकार में तो बत्तियां ही नहीं दी गई, गनर भी नहीं दिए गए। आपने तो जितने लोग थे सबको मंत्री बना दिया। नहीं नहीं, अंतरिम सरकार की आप बात करें, अंतरिम सरकार में तो दिया ही नहीं गया किसी को, की सरकार ने तो पूरे जितने अमिताभ जी सबको ही, अमिताभ जी प्रदेश की दो वो पार्टियां जो सत्ता का टोपी ट्रांसफर करती हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, किस तरह से देखिए आरोपों का भी टोपी ट्रांसफर हो रहा है। किसी के भीतर ये साहस नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे बढ़कर ये कहेंगे जी हाँ आई रेज माई हैंड, हमने गलत किया, आगे से नहीं होगा। देखिए मैं मानता हूं कि मेरे दोस्त सुरेंद्र अग्रवाल, प्रकाश सुमन ध्यानी तो अभी इस स्थिति में नहीं कि वो हाथ ऊपर करें और कोई ऐलान कर दें। सुरेंद्र अग्रवाल उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मुअज्जिज लीडर हैं कांग्रेस के स्टेट में, वो ये जरूर कह सकते हैं इस मंच से कि ये जो धन का अपव्यय है 8 करोड़ रुपए साल का, इसको उनकी पार्टी तत्काल प्रभाव से रोकेगी। ये अगर सुरेंद्र जी बच के निकलना चाहते हैं और केवल इतना कह के इस बहस इस स्टूडियो से रुखसत होना चाहते हैं कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब लोगों को सही आचरण करना चाहिए, देश में शांति सद्भाव होना चाहिए, धर्म की जय होनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए, जैसे सत्यनारायण की कथा के बाद पंडित जी बुलवाते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, अगर वैसा बोल के निकलना चाहते हैं तो सुरेंद्र जी के ऊपर है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं निकलना चाहता। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से जरूर अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि गनर देने की जो व्यवस्था है इसकी समीक्षा होनी चाहिए, और ये समीक्षा निरंतर होनी चाहिए। यदि किसी को वाकई कोई धमकी है, कोई उसके जीवन को खतरा है, उस आधार पर तो मिले, परंतु रुतबा जारी करने के लिए इस तरह की चीजों से हमारी सरकार को अवश्य बचना चाहिए। ये आग्रह निश्चित रूप से हम पहले भी करते रहे, पुनः मुख्यमंत्री जी से अवश्य करेंगे, और राज्य की जनता को आपके माध्यम से भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को गनर देने से अवश्य बचेगी,
जो महज रुतबे के लिए जनता ही तो आश्वस्त नहीं हो रही, रौब गालिब करने के लिए जनता अगर आश्वस्त हो जाए अग्रवाल साहब तो फिर हमारे पेट में दर्द क्यों हो, जनता ही तो आश्वस्त नहीं हो रही, दिक्कत तो अग्रवाल साहब इसी जगह पर है। देखिए आप भी अपना धर्म निभा रहे हैं, आप भी जागरूक करने के अभियान में लगे हैं और सच मानिए तो राजनीतिक दल का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी भी इच्छा यही है कि ऐसे लोगों को गदर देने से सरकारों को बचना चाहिए। अधिकल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मेरा सुरेंद्र भाई से एक सवाल है, कुछ बात भी मैं करना चाह रहा हूं कि मौजूदा समय में इस कांग्रेस सरकार के पास कम से कम 800 ऐसे आवेदन पत्र हैं जो गनर की लाइन में लगे हुए हैं, नंबर वन बात। दूसरी बात यह है कि अंततः गनर जो मिलता है वो मुख्यमंत्री के ही मोहर के बाद मिलता है। अगर आपको वास्तव में जान का खतरा है तो उसकी लोकल LIU आपकी जांच करती है, रिपोर्ट भेजती है गृह मंत्रालय को, होम मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री उस पर अपनी रिपोर्ट लगाता है और बाद में वो फाइल जाती है मुख्यमंत्री के पास। मुख्यमंत्री की मोहर के बाद, सिग्नेचर के बाद ये गनर आपको दिए जाते हैं। और इसमें मैं तिवारी जी के बाद से लेकर अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें भाजपा के भी दो मुख्यमंत्री हुए हैं उनको भी मैं दोषी मानता हूं। और सुरेंद्र अग्रवाल जी से मैं ये कहता हूं कि जैसे अभी 700-800 आवेदन पत्र अभी लंबित है तो क्या आप मुख्यमंत्री जी से कह पाएंगे, ये हिम्मत है आप पे कि आप उनसे कह पाएंगे कि इनकी स्क्रीनिंग ढंग से हो या जो निःशुल्क दिए गए हैं उनको पेड कराया जाए? क्योंकि गनर देने की व्यवस्था यह भी होती है कि या तो फ्री आदमी ले अपने खर्चे पे या सरकार उसका पूरा खर्चा उठाए या 50% उठाए या 25% उठाए, ऐसा भी नहीं है। सरकार 238 का पूरा खर्चा उठा रही है, 10 में हो सकता है कोई 50% पे चल रहा हो, कोई 25% पे चल रहा हो, कि क्या सुरेंद्र भाई इस खर्चे को रोकने के लिए अपने मुख्यमंत्री को यह सलाह देंगे कि जो 700-800 आवेदन पत्र है या जो अभी तक दिए गए हैं? निश्चित रूप से ये सलाह क्या, ये आग्रह तो मैं आज भी कर रहा हूं और पहले भी करता रहा हूं। और निश्चित रूप से ये आश्वस्त करना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक विद्वान हाईकोर्ट के जज रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भी उस गरिमा को समझेंगे कि गनर किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से आपने मार्गदर्शन किया है मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे लोगों को अग्रवाल साहब से बचने के लिए पहल करेंगे। कब तक? मुझे लगता है बहुत जल्दी ही इसके नतीजे सामने आएंगे। जो फ्री के दामा दे रखे इन्होंने गनर सरकारों ने, फ्री के 228, इसकी पुनर्समीक्षा की बात करेंगे आप मुख्यमंत्री जी से कि जनता का पैसा है, उत्तराखंड कर्ज से लदा है, 5000 गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है, 6 लाख बेरोजगार हैं, कई अमिताभ जी अतुल जी कई नियुक्तियां इसलिए वित्त विभाग रोक देता है, अड़ंगे लगा देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। 57,000 पद यहां रिक्त हैं, 57,000, उसमें अधिकांश में फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्वेरी लगी हुई है कि पैसा नहीं है हम कैसे सृजित करें पद। ठीक बात है। इस राज्य के निर्माण के लिए बहुत लाठी डंडे मैंने भी खाए, कई बार जेल गए हैं जी, और एक नागरिक होने के नाते, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे जी कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को यदि उसको कोई जान का खतरा है ठीक है तभी उसे गनर मुहैया कराएं। ज्ञानी साहब फाइनल कमेंट, समीक्षा की जानी चाहिए, उनकी भी समीक्षा की। ठीक बात है ज्ञानी साहब, फाइनल टिप्पणी क्या होना चाहिए, कैसे होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है, सरकार का काम निर्णय लेना है, सरकार निर्णय तो ले तो ले। कि जय सुरेंद्र भाई अभी कह रहे थे कि मैं आग्रह करूंगा, मुख्यमंत्री किसके आग्रह को सुन रहे हैं? कांग्रेस में ये समझ नहीं आ रहा है, उत्तराखंड की जनता कहती है कि सरकार किसके कहने पे, किसके आग्रह पे चल रही है। विधानसभा के अध्यक्ष कुजवाल जी कहते हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे, इनके विधायक काली पट्टियां बांध करके विधानसभा में आ रहे हैं, कोई धरने में बैठ रहे हैं, कोई भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यमंत्री कांग्रेस की नहीं सुन रहे, हर तीसरे दिन दिल्ली चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर का करोड़ों का खर्चा कर रहे हैं। आखिर ये सरकार किसके कहने पे, कांग्रेस के लोगों के कहने पे भी नहीं चल रही तो किसके कहने पे चल रही है? और ये जो बंदरबांट हो रखी है, अभी तक 29% केवल बजट का खर्च किया गया है, कभी इनोवा ला रहे हैं, कभी गनर बांट रहे हैं, तो किसके कहने पे चल रहे हैं? बेचारे हमारे सुरेंद्र जी तो आंदोलन से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। परसों आपके इसी स्टूडियो में हमारे सजवाण जी भी आए थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये वर्तमान सरकार किसके कहने पे चल रही है। इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि मैं राम धुन बजाऊंगा हरिद्वार में हर की पैड़ी पे, जब केंद्रीय मंत्री के कहने पे नहीं चल रही है, सुरेंद्र नहीं, 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 ध्यानी जी, वो तो ध्यानी जी, ध्यानी जी, वो तो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी की का प्रेम है, बेसिकली वो उनका स्नेह है,
वो तो होता रहता है, वो आगे भी होगा। विधानसभा अध्यक्ष खुद बोल रहे हैं। हाँ, ये चिंता की बात है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपस में एक दूसरे के बहुत बड़े प्रेमी हैं, वो तो होता रहता है। इनके विधायक काली पट्टी में इनके विधानसभा में जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी हाँ। दोस्ती ने खंडूरी जी और निशंक पे भी डालनी चाहिए, दोस्ती को डालने में भी सक्षम है। आज सरकार में ही है, उंगली इन पे उठेगी, हम वॉचडॉग हैं, हम तो वॉचडॉग की भूमिका निभा रहे हैं। अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब, मैं इनके भी नहीं, अग्रवाल साहब, माननीय निशंक जी के ऊपर रोशनी नहीं, वो पूरा हेलोजन पड़ेगा बहुत बड़ा सा, और तब भी वक्त वक्त पूरा नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का जो वक्त है ना, वो लिमिटेड रहे, और लिमिटेड वक्त में हम ऐसे ऐसी चर्चा कर सकते हैं। मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूंगा, ये निवेदन करना चाहूंगा। जी जी, अभिकल भाई जानते हैं, उस सचिवालय में राजनीतिक लोगों में या तो मुख्यमंत्री बैठते हैं या केवल प्रकाश सुमन ध्यानी बैठे, बाकी एमपी भी, विधायक भी या मिनिस्टर भी विधानसभा में बैठते थे। और उस सचिवालय में बैठ के जो हम बेबाक बातें करते थे, अभिकल भाई बताएंगे, हमारी राजनीतिक मजबूरियां हैं, लेकिन हमने ईमानदारी से, चाहे हमारी सरकार हो चाहे ये सरकार हो, सच को सच बताया और गलत को गलत बताया, उसको हमें भुगतने भी पड़े चीजें, लेकिन हम कभी झुके नहीं, क्योंकि ये उत्तराखंड हमारी, हमारे खून से बना है, हमने अपने सीने पे संगीने खाई है। ठीक बात है। और निशंक जी पर बड़ी उंगलियां उठाई थी इन्होंने। जी, बड़े बात किसी के व्यक्ति की नहीं है, नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि व्यक्ति की नहीं है, हम तो नीतियों पे, जो जिसका भी करते हैं नीतियों पे बातें करते हैं और खुलेआम करते हैं और अपनी मर्यादा के अंदर करते हैं। अब हमारी कुछ मर्यादाएं, जैसे सुरेंद्र भाई की मर्यादाएं, ये इन्होंने का आग्रह करूंगा, इनका आग्रह सुन नहीं रहे, बहुत कांग्रेसियों का आग्रह मुख्यमंत्री ने सुन। चलिए ठीक बात है, चलिए अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो गया है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, संपादकीय टिप्पणी। मैं एक ही बात कहूंगा, जो बात अभिकल थपलियाल ने उठाई वह गौर करने की बात है, बाकी तो राजनीतिक वक्तव्य जैसी टिप्पणियां हैं। आज हो ये रहा है, मुश्किल ये है कि अर्जी मुख्यमंत्री के यहां जाती है, मुख्यमंत्री उसको स्वीकृत कर देते हैं और उसके बाद वो नीचे बीट कांस्टेबल तक की यात्रा तय करती है। यानी गंगा सागर से चल रही है गंगोत्री की ओर, इसलिए विसंगति है। मुख्यमंत्री को कैसे पता लगेगा अपनी कुर्सी पर चेंबर में बैठे हुए, अभी कल थपलियाल गए, उन्होंने कहा भाई ये एक गनर सेंक्शन कर दो जरा इस पर, तो उन्होंने तो अभिकल थपलियाल का चेहरा देखा और उस पर लिख दिया गनर उपलब्ध कराएं, गृह सचिव गनर उपलब्ध कराएं निशुल्क, और दस्तखत कर दिया। उसके बाद फिर ये सिस्टम जो है फाइल पूरी करने के लिए एलआईयू से लेके संबंधित कप्तान से लेके और सारी रिकमेंडेशंस मंगवा लेता है उसी के अनुरूप, मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुरूप। विसंगति यहां से पैदा हो रही है, जिसको खतरा हो वो नीचे अप्लाई करे, थाने में एप्लीकेशन जाए, कारणों सहित बताइए क्यों खतरा है, क्या खतरा है, उसकी समीक्षा होते होते फिर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के पास हो। तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास एक अदद फाइल तो हो देखने के लिए कि खतरा है या नहीं है। लेकिन हो उल्टा रहा है, मुख्यमंत्री से लोग सेंक्शन पहले करा ले रहे हैं और एलआईयू की रिपोर्ट बाद में दाखिल हो रही है, इसलिए ये 238 लोग हो गए। और मुझे जितना समझ आता है, सुरेंद्र जी बहुत जहीन राजनेता हैं, इनके सम्मान करते हुए भी मैं ये भी कहूंगा कि इनकी तमाम आपत्तियां, अनुरोध, विनम्रतापूर्वक गुजारिशों के बाद भी उत्तराखंड में गनर देने का सिलसिला जारी रहेगा, वो थमेगा नहीं। जी, आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि सरकारी पैसों पर वो लोग ऐश कर रहे हैं, वो लोग भोकाल टाइट कर रहे हैं, जलवा बना रहे हैं, रुतबा और रौब और हनक गांठ रहे हैं, जिनको, जिनमें से तकरीबन 90% लोगों को इसकी सरकारी खर्चे पर जरूरत नहीं है। ये हमारी जानकारी है, अब सरकार ये चेक कराए और सरकार ये साफ करे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, उत्तराखंड के आम लोगों के साथ ऐसी बेरुखी सरकार की तरफ से क्यों। नमस्कार। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर 25 से 35 साल के शिक्षित बेरोजगारों पर सरकार ने की खुशियों की बौछार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ता का किया ऐलान। रोजगार भत्ते के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी है बेहद आसान, सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र भरकर जमा कराएं और नजदीकी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता खुलवाएं। आइए इस योजना का लाभ उठाएं। उत्तराखंड सरकार आपके साथ हर बार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा।
रजनीगंधा। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000